हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आए आज बनास नदी में नहाने, आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मैं और मेरे अंकल का लड़का दोनों नहाने आए नदी में। नदी में बहुत सारा पानी आ रहा तो दोनों को तैरना था, इस वजह से हम नदी के बीच में आए नहाने। अगर जिसको तैरना ना आए वो नदी में, वो गहरे पानी में नहाए, नहीं तो डूबने का खतरा है, सावधानी बरते। हाय दोस्तों, तो हम आए आज बनास नदी में नहाने। तो मैं आपको पहले अपना पूरा पता बता देता हूँ। मैं राजस्थान राज्य का सवाई माधोपुर जिले के एक छोटे से गांव सोलपुर का निवासी हूँ। जो इशारदा डैम बन रहा ना, उसी के पास में है हमारा गांव, बनास नदी के पास में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको मैं बताता हूँ कि बनास नदी में एक तो नशा करके नहीं नहाना चाहिए, और जिसको तैरना ना आए वो गहरे पानी में नहाए, क्योंकि थोड़े दिनों पहले हमारे यहाँ पे दो व्यक्ति डूब कर मर गए, एक तो नशा करने की वजह से, एक तैरना नहीं आता था, इसलिए जिसे तैरना आए वो ही नहाए, बल्कि हमें तैरना आता है, इसी वजह से हम नहाने आया इधर। तो दोस्तों मैं पानी में कूद रहा हूँ, देख रहा कितना गहरा पानी है यहाँ पे, क्यों उधर से आ रहा है, ये रोड बनी हुई है, तो देखिए दोस्तों। हाय दोस्तों, तो फ्रेंड्स हम अब थोड़ी देर के लिए रील बना लेते हैं और नहा लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। अभी रील शूट करेंगे, एक शॉर्ट वॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ओके। तो दोस्तों, शहर से भी ज्यादा सुकून गांव में मिलता, तो देखिए नहाने में मजा, वो स्विमिंग पूल में भी मजा नहीं है, जो नदी में नहाने का मजा आ रहा है, बहुत मजा आता है यहाँ पे। तो आओ कभी हमारे गांव में, देखो हमारे गांव का सीन बहुत ही शानदार। तो दोस्तों, हमारा दोस्त नमकीन और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आ गया, अब हम यहीं पे करेंगे एंजॉय करेंगे भी। यहाँ पे बहुत तेज बूर पड़ रही है दोस्तों, देख लो पानी के अंदर, यहाँ पे कोई इंसान गिर जाए ना तो वो मर के ही निकलेगा। चलो देखते हैं। तो दोस्तों, हमारी ड्यू आ चुकी है कोल्ड ड्रिंक, अब हम पियेंगे, एंजॉय करेंगे, आप भी आ जाओ, सभी दोस्त आप सभी का वेलकम है नदी के बीचों बीच। नदी का सीन दिखाए इन सभी दोस्तों को। राव दे, राव दे, बंद कर दे। भाई ये इशारदा डैम है। हेलो गाइस, कैसी मनीषा सर, जैसी है की पाकिस्तान से, जो कुनका की उमा की गोरखपुर में मध्य प्रदेश यूपी में पड़े जो ये तो यार सुल्ला तरफ देख तरफ से नहीं यार, मैंने देखा वाटर सही में फिर उस सांप को सियाने के रख भी रहा तो बता दे तू। फॉर्मेलिटी क्या है? ऐसे डाल दिया रहा फुआ। कोई चोटियां की रही रहा फोड़ ले जाना। हाँ। चोटियां काट ला और पुलान करना। कटा ची चोटियां तो यार। अरे कौन कटा? आप फुआ चुआ। अब तो मजाक कर रहे हो। मारी बात सुन। कुछ चड्डा ला रही है जाना। तू तो सुन, चोटियां ली मैं फार्म गया। अरे चोदू जो काम। सुन तो सरी तो। अब फिर उंडम मटर तोड़ पाए जीव। युवा क्या कर दी को माही एक ही कट कट। अरे मैं बताऊं क्या कि तुम काय कर ला अपना अपना साथी जन है काट बला के थे। नहीं हुआ क्या कर तुम्हारी एक ही कट कट। आके के तुम आप हुआ ची यार हुआ तो वो
तो दोस्तों हम नहा धो के आ चुके हैं, अब कपड़े वपड़े पहन लिए, अब हम जा रहे हैं घर पे। तो हमारा ब्लॉग और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर यार दोस्तों। अब हम जा रहे हैं घर पे। ओके बाय, टेक केयर।